now we are explaining exercise 8.2. 8.2 that is a unitary method. Unitary method क्या होती है? Unitary method में क्या होता है कि अगर हमको किसी भी quantity है या कोई सा भी object है उसकी value अगर हमको find करनी रहती है, in a unitary method we first find the value of one quantity from the value of given quantities. मतलब हमको कोई भी quantity जैसे find करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वन क्वांटिटी फाइंड करेंगे, देन फिर हमको जो क्वांटिटीज फाइंड करनी है उसको फाइंड करेंगे. इसी को हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड. ओके, हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि यूनिटरी मेथड क्या होती है. नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 82. फर्स्ट क्वेश्चन योर एक्सरसाइज 8.2 दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इफ द कॉस्ट ऑफ 48 एप्पल्स इज ₹288, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 36 एप्पल्स. मतलब आपको 48 एप्पल्स की कॉस्ट गिवन है एंड 36 एप्पल्स की कॉस्ट आपको फाइंड करनी है. तो मैंने आपको क्या बताया था कि यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि पहले हम वन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद में हमारी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसकी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे. ओके, तो 48 एप्पल्स की कॉस्ट आपको गिवन है. मैं सॉल्यूशन करवा रही हूं आपको. सॉल्यूशन से करना है आपको. तो आप क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ जो सॉल्यूशन है is equal to ₹288. Okay, यह तो आपको given है कि the cost of 48 apples is equal to ₹288. अब आपको क्या करना है कि पहले one quantities की value find करनी है. तो आप क्या करेंगे, therefore the देखो एक के नीचे एक की cost of सेम वैसे ही बस 48 एप्पल के बजाय क्या क्या आ जाएगा आपका, वन एप्पल. कितना आ जाएगा, वन एप्पल. ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितने भी नंबर्स मिले गिवन है पहले वो लिखने के बाद वन की क्वांटिटीज आपको फाइंड करनी है. तो हमको ये देयरफॉर का साइन है, दैट इज और ये देयरफॉर का साइन है. तो 48 एप्पल की कॉस्ट आपको गिवन थी, हम किसकी फाइंड करेंगे, यूनिटरी मेथड में पहले वन क्वांटिटीज की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो एज इट इज कुछ भी चेंजेस नहीं करा, बस 48 के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, वन एप्पल. तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 88 डिवाइडेड बाय 48. आपको ऐसे लिखना है 88 डिवाइडेड बाय 48 का मीनिंग क्या होता है, 288 में 48 से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है. अब ये किससे कैंसिल होगा, 48 में कौन से डबल आते, आपको अगर ऐसे नहीं समझ पड़ता है तो डायरेक्ट टू से डाले, टू टू जा फोर, टू फोर जा एट, टू हजार टू, टू फोर जा एट, टू फोर जा एट, फिर टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू सेवन जा फोर्टीन, टू टू जा ट्वेल्व, वन जा ट्वेल्व, ट्वेल्व सिक्स जा 72. मतलब ₹6 कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, वन एप्पल की जो कॉस्ट है वो कितनी आ गई आपकी, ₹6. अब आपको किसकी फाइंड करनी है, तो द कॉस्ट ऑफ कितने एप्पल की कॉस्ट फाइंड करनी है आपको, 36 एप्पल. तो पहले 48 लिखा फिर 1 लिखा, कितना लिखेंगे आप, 36. बस नंबर चेंज हो रहे, द कॉस्ट ऑफ 36 एप्पल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 में ₹6 का क्या कर देना आप, मल्टीप्लाई 36 6 36 3 3 18 19 20 21 260 ₹. ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा लास्ट में, कॉस्ट ऑफ 36 एप्पल्स इज ₹3260. ओके, तो ये आपका
क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। अ टाइपिस्ट टाइप 12 पेजेस इन 40 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल टेक टू टाइप 80 पेजेस। एक टाइपिस्ट है वो 12 पेजेस 40 मिनट में टाइप करती है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू टाइप 80 पेजेस। हाउ लॉन्ग मतलब आपको टाइम फाइंड करना है कि वो 80 पेजेस टाइप करने में कितना टाइम लेती है। ओके, इसको भी वैसे ही करना है। सॉल्यूशन, अ टाइपिस्ट टाइप 12 पेजेस इन 14 मिनट्स, तो आप क्या लिखेंगे? इसको 60 से डिवाइड करो 200, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। 60 से आप इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा देखिए आप, 2 3 6 0 0, 2 1 2, 2 3 6 2 3 6 कितना है 133/30, कितना जाएगा ये 133/30। ये वाला आंसर भी आपका करेक्ट आंसर है, कोई चेंजेस नहीं है। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो यहीं पे आप कर दीजिए, 0 से 0 क्या हो जाएगी कैंसिल, 2 3 6 2 4 जाए 40/9, ठीक है। या तो ये वाला आंसर लिख दीजिए या फिर ये वाला, दोनों करेक्ट। अब उसके बाद में देखिए,
क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 36 बॉक्सेस वेट 1 किलोग्राम 530 ग्राम, हाउ मेनी बॉक्सेस विल वेट 3 किलोग्राम 500 560। इसको पहले ग्राम कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम को किलोग्राम में, तो आप थर्ड क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी आपको करना होगा हमें, और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी मैं आपको होमवर्क में दे रही थी ना। क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। रिड्यूस करना है, रिड्यूस द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब तीन टर्म एक साथ आ गए, इसको रिड्यूस आप कैसे करेंगे? जब भी थ्री टर्म्स आ जाती है तो इसको रिड्यूस करना आपको करने के लिए जो डिनोमिनेटर का नंबर है उसका क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको? एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 6, 10 and 15, इन तीनों का आपको एलसीएम निकालना है। 6, 10 and 15, 2, 3 जा 6, 2, 5 जा 10, 3 से करना है 3, 1 जा 3, 3, 5 जा 15, और फिर कैसे जाएगा ये 5। कब तक करना है? तब तक कि 1 नहीं आ जाता। तो 2, 3 जा 6, 6, 5 जा 13, मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया आपका? 30। ये आपका रफ वर्क है। अब 30 एलसीएम आया है तो आप क्या करेंगे? 1/6 × 30 रेशो 1/10 × 30 रेशो 1/15 × 30 6 1 जा 6, 6 5 जा कितने जाएंगे? 30। 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, मतलब ये क्या हो गया इसका? 5:3:2 ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। 5:3:2 ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा आपका? सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाइट ऑफ द समर इज 1 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द विजनेश इज 90 सेंटीमीटर। तो आपको ये रेशो फाइंड करने, तो ये रेशो फाइंड करना तो मैंने आपको सिखाया। 1 मीटर को पहले आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो वो हो जाएगा 100 + 20, मतलब 120 सेंटीमीटर। दोनों की यूनिट सेम कर देना, उसके बाद ये सम आप कर सकते हैं। तो 120 सेंटीमीटर हाइट समर्थ की हो जाएगी और विजनेश की हो जाएगी 90 सेंटीमीटर। उसके बाद आप उनका रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मैं 8 आपको यहां पर करवा देती हूं। अ कंपनी मेक्स प्रॉफिट ₹24,000, मतलब एक कंपनी है उसको 2,40,000 का प्रॉफिट होता है। ओके, 2,40,000 है ना। उसके 3 पार्टनर्स है, उनका जो रेशियो उसको डिवाइड करना है, उसमें 4:5:6 में उसको डिवाइड करना है। तो वो उसको फाइंड अमाउंट ईच पार्टनर, तो पहले पार्टनर के पास, सेकंड पार्टनर के पास, थर्ड पार्टनर के पास कितना अमाउंट आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना, पहले तीनों को प्लस करो। 4 और 5 9, 9 + 6 कितना हो गया? 15। मतलब टोटल कितना हो गया? 15। तो फर्स्ट पार्टनर को अगर वो देगा अमाउंट ऑफ फर्स्ट पार्टनर, देना आपको पहले
2,40,000 rupees है मल्टीप्लाई, पहले पार्ट का था कितना अमाउंट है 4 है तो 4 और टोटल कितना आ रहा है 15, इससे डिवाइड कर दो, अमाउंट कितना है उसका 4 तो 4 अपॉन 15, अब 15 से ये कैंसिल हो जाएगा 15, 5 3 15, 5 4 20, 5 8 40, 0 0 0, 3 1 3 3 1 3 3 6 18 16,000, 16 4 कितने होते 64, मतलब पहले पार्टनर को आएंगे उसके 64,000, कितने आएंगे उसको 64,000। अब अमाउंट ऑफ सेकंड पार्टनर इसका निकालना है आपको, सेकंड पार्टनर 2,40,000, कितना अमाउंट आना चाहिए उसको 5 और अपॉन में कितना आ जाएगा 15, ठीक है। अब ये 15 कैंसिल करना तो आ गया, डायरेक्ट कितना हो जा रहा है ये कट करने से 16,000 आएगा, कितना आ रहा है ये 16,000, 16 5 कितने होते 5 6 30 0 3 80,000, सेकंड पार्टनर को कितना अमाउंट आया 80,000, 16 5 कितने होते हैं आपके 80। अब उसके बाद थर्ड पार्टनर को कितना अमाउंट आना चाहिए, इसमें वही करना है 2,40,000 अपॉन 15 और थर्ड का पार्ट कितना है 6 से तो इसको कैंसिल करने से कितना आ रहा है आपका 16,000, कितना आ रहा है 16 6 कितने होते 6 6 36, 3 6 6 7 8 9 96,000, कितना आएगा थर्ड पार्टनर का अमाउंट 96,000। अगर इन सबको अगर प्लस करते हैं तो वो आएगा 2,40,000, कितना हो जाएगा वो आपका 2,40,000, ओके। तो इस टाइप से अगर शेयरिंग वाली बात आती है तो आप पहले तीनों को क्या कर लेना, प्लस कर देना, फिर जो भी टोटल अमाउंट है उसमें उसका टोटल से डिवाइड करके जो शेयरिंग पार्ट है उससे आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 9, आपको क्या करना है कि 1/2, 1/3, 1/4 के रेशो में, तो पहले 2, 3, 4 तीनों का आपको एलसीएम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना पड़ेगा एलसीएम, फिर उसको सिंपलेज फॉर्म में अरेंज करने के बाद फिर आपको ये मेथड अप्लाई करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 अपन थर्ड टर्म वाले में करवा चुकी हूं मैं आपको, वो भी आप कर सकते हो। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज थी ये कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 आप उसको छोड़ सकते हैं, अगर आपसे बन जाते हैं तो आप इजी वे में कर लें उसको, बाकी आप उसको छोड़ सकते हैं। तो आपकी जो 8.2 एक्सरसाइज है कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन है उसके आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है जिससे कि वो आपको समझ में आ जाए, ओके। थैंक्स।